तो मैं अभी हूँ मुंबई में और आज डे वन है और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा लंच करने क्योंकि अभी दो बज चुके हैं, तो हम लंच करने जा रहे हैं। उसके बाद हम जुहू जाएंगे और वहाँ पे चौपटी पे हम स्ट्रीट फूड ट्राई करेंगे। ये मेरा फर्स्ट टाइम है मुंबई में और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग भी है, तो लेट्स इट। At first we took a train from Santa Cruz to Dadar. Mumbai के local train में travel करने का ये मेरा पहला experience था। Dadar station पे उतर के 15 minute walk करके हम पहुँचे Gomantak Restaurant. This place is very popular for seafood and Goan food. यहाँ पे हमने सबसे पहले ट्राई किया बॉम्बे डक फ्राई, विच इज़ अ लिजर्ड फिश एंड इट्स वेरी पॉपुलर इन मुंबई। ये डिश उन्होंने ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया था। द फिश फ्राई वॉज लिटिल ऑयली बट टेस्टेड गुड। उसके बाद हमने लिया प्रॉन मसाला थाली एंड सुरमई फिश थाली। प्रॉन मसाला थाली में था ड्राइड प्रॉन्स, गोवन फिश करी, सोल करी, राइस, चार पूरी और प्रॉन मसाला। थाली में रोटी और पूरी का ऑप्शन रहता है, आपको जो पसंद है वो ले सकते हैं। अगर पूरी लेंगे तो प्राइस थोड़ा ज़्यादा होगा। ये सोल करिए ना। आई थिंक ये बॉन फिश का ही होगा, ये भी बहुत अच्छा है। इसको मेरा राइस से ट्राई करती हूँ। ड्राई प्रॉन्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमने प्रॉन मसाला थाली पूरी के साथ लिया और सुरमई फिश थाली रोटी के साथ। इस थाली में था राइस, रोटी, सुरमई फिश फ्राई, गोवन फिश करी, सोल करी एंड ड्राइड प्रॉन्स। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, खट्टा खट्टा। मुझे ये बॉम्बे डक से सुरमई ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत अच्छा। Overall, we liked the food here and I absolutely loved the prawn masala, the surmai fish fry and sol curry. Itna khaya, itna mere liye kaafi hai, do puri khaya. Dikhti moti ho, khati kam. After this delicious lunch, we took a cab and headed out towards Juhu Beach. Thank you.
इतना हेवी लंच करने के बाद कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा था, तो सबसे पहले हमने लिया एक काला खट्टा गोला। और फिर मैंने खाया आइसक्रीम फलूदा। फलूदा वाज गुड बट स्वीटनेस थोड़ा कम लगा मुझे। जुहू चौपटी से थोड़ा आगे चलते हम पहुंचे बालाजी बीच शैक। यहाँ पे है पाव भाजी, तवा पुलाव, चाइनीज है, स्टार्टर्स एंड रोल्स, कबाब है, सूप है, डोसा है और बहुत कुछ है, सैंडविच है, पिज्जा है, पराठे है, फलूदा है, कुल्फी है, सब कुछ है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या खाते हैं। वैसे प्राइस तो थोड़ा ज्यादा है, पाव भाजी नॉर्मल वाला 110 और अमूल बटर वाला 150। क्यों पाव भाजी में अमूल बटर नहीं डालते क्या? जुहू बीच पे बैठ के पाव भाजी खाने की मेरी हमेशा से बहुत इच्छा थी। सोचती थी न जाने कब मैं मुंबई जाऊंगी और जुहू पे बैठ के पाव भाजी खाऊंगी। एंड इट्स फाइनली हैपेंड। पाव में बहुत सारा बटर है। भाजी अच्छा है बट लाइट है, एकदम स्पाइसी नहीं है बिल्कुल। यहाँ बीच के ऊपर बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम ट्राई कर रहे हैं वेज मंचूरियन ड्राई। अच्छा है बट सॉल्टी है थोड़ा। मसाले चाट चना जो करना था सर, मसाले So that's it for today's video. If you have any word or suggestion for me, please do comment below. And don't forget to subscribe for more videos like this. अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें आप देखेंगे हम घूमे एलिफेंटा केव, गेटवे ऑफ इंडिया, मेरिन ड्राइव और हमने ट्राई किया लॉट्स ऑफ डिलीशियस फूड्स इन मुंबई। सो स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय फॉर नाउ।